वक्त आपके सामने मैं दिव्या अठवार। इस वक्त हम मौजूद है बड़े सर क्रिकेट न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको हर एक खबर से अवगत करवाते हैं। इस वक्त की जो खबर है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहां पर शिवराज सरकार ने काफी अहम बैठक ली है और इस अहम बैठक में उन्होंने काफी फैसलों को मंजूरी भी दी है। वहीं आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने इसमें तय किया गया है कि आने वाली पुलिस की नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, और उन्होंने शिवराज सरकार ने इस बैठक में खासकर ये भी उन्होंने पुलिस कर्मी को लेकर खासकर फैसले लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने भोपाल में एक काफी अहम बैठक यानी कि कैबिनेट बैठक रखी है। इस बैठक में उन्होंने काफी फैसलों को मंजूरी भी दी है और खासकर उन्होंने पुलिस कर्मी को लेकर भी काफी अहम फैसले लिए हैं। वहीं इस कैबिनेट बैठक में मौजूद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उन्होंने इस बैठक में लिए गए संबंधों में बताते हुए उन्होंने कहा है कि अब पुलिस कर्मी नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20% आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस भर्ती में पहले ही पूर्व सैनिकों में व अनुपमा नियुक्ति में पहले ही 25% आरक्षण तय है। अगर ऐसे में वापस से 20% आरक्षण अगर दिया जाता है तो ये काफी अव्यवहारिकता माना जाएगा। तो यही वजह है कि कैबिनेट बैठक में यही वजह को माना गया है, जहां पर कैबिनेट बैठक में ये काफी अहम फैसला लिया गया है जिसमें जो है आने वाली नियमित पुलिस व संविदा कर्मियों को 20% आरक्षण का लाभ जो है वो अब नहीं मिलेगा। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो वॉइस ऑफ एमपी ने आपको दी। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी न्यूज पर और लगातार देखते रहे वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। धन्यवाद।